कैंट पुलिस को अहम कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल 4 साल से फरार किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैंट पुलिस ने छासन चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की विवेचना अब तक 13 विवेचक कर चुके हैं। हालांकि 13वें विवेचक अजीत कुमार चतुर्वेदी को बलात्कार के आरोपी शंभू खान जनपद उन्नाव को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। गौरतलब है कि आरोपी शंभू 4 साल पहले शहर के कूड़ाघाट इलाके में गमला बेचने का कारोबार करता था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली किशोरी को 8 अक्टूबर साल 2015 को लेकर दिल्ली भाग गया था, जिस पर किशोरी के परिजनों ने 10 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि दिल्ली ले जाकर किशोरी के साथ शंभू खान नाजायज संबंध बनाया करता था। वहीं कुछ दिनों बाद किशोरी को दिल्ली से गोरखपुर की ट्रेन में बैठाकर गोरखपुर भेज दिया, जिसके बाद से आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस काफी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देकर बच जाता था। हालांकि इस बीच पुलिस ने आरोपी पर NBW और 82/83 CRPC की कार्रवाई भी की थी। वहीं इस बार विवेचक की मुस्तैदी से आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है।